हेलो एवरीवन, इट्स देवेश मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट का एक नया चैप्टर स्टार्ट। आज जो हम करने जा रहे हैं ये यूनिट नंबर फोर्थ का ही अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10। तो ये जो बुक सीरीज़ बन रही है ये बीकॉम के सेमेस्टर 6 में जो बच्चे हैं, चाहे बीकॉम ऑनर्स से हों या फिर आप प्रोग्राम से हों, SOL, रेगुलर या NCVAB, सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है अगर आपके पास फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट की बुक है तो। ठीक है, तो इस सीरीज़ को हम लाइन वाइज चैप्टर वाइज बना रहे हैं और इस चैप्टर वाइज लिंक को हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। हर एक चैप्टर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज जो हम करेंगे वो हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर फोर्थ का सेकेंड चैप्टर है पोर्टफोलियो सिलेक्शन का, पोर्टफोलियो एनालिसिस। और बाकी ये सारे चैप्टर ऊपर के हमने ऑलरेडी बना दिए हैं इन पर वीडियो लेक्चर और डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक है, आप जाके एक एक करके सारे चैप्टर्स को लाइन से देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर किसी भी बच्चे को इस बुक के नोट्स परचेज करने हैं तो नोट्स भी बन चुके हैं, PDF में नोट्स हैं, सॉफ्ट कॉपी नोट्स हैं, ईजी लैंग्वेज है और सारे चैप्टर्स कवर होंगे। नोट्स बाय करने के लिए स्क्रीन पर जो नीचे नंबर शो कर रहा है इस नंबर पर, ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पे मुझे मैसेज कर सकते हो कि सर हमें नोट्स बाय करने हैं, और मिनिमम अमाउंट 120-130 रुपये जो भी होगा आप वो पे करके सॉफ्ट कॉपी नोट्स को परचेज कर सकते हो। तो जो नोट्स लेना चाहते हैं, जिनको लगता है बुक नहीं पढ़नी इतनी बड़ी, तो वो नोट्स भी बाय कर सकते हैं, नोट्स परचेज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 10। हमारी सीरीज के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 10 है हमारा। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 है हमारा पोर्टफोलियो सिलेक्शन। पोर्टफोलियो सिलेक्शन के अंदर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, यहाँ से आपको सारा चैप्टर लाइन वाइज स्टार्ट करेंगे। इन द प्रीवियस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट पोर्टफोलियो एनालिसिस। हमने पुराने चैप्टर में, मतलब पिछले चैप्टर में पढ़ा था पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या होता है, और पोर्टफोलियो की पूरी एक प्रोसेस होती है जिसके 5 स्टेप होते हैं, तो जिसका 3rd स्टेप होता है पोर्टफोलियो सिलेक्शन। इस चैप्टर का नाम भी वही है, पोर्टफोलियो सिलेक्शन, जो हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क एंड रिटर्न्स, डाइवर्सिफिकेशन एटसेट्रा। वंस द प्रोसेस ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस इज ओवर, एक बार अगर पोर्टफोलियो एनालिसिस का प्रोसेस ओवर हो जाता है, उससे अगला स्टेप आ जाता है पोर्टफोलियो को सिलेक्ट करने का, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर देखा था। इसके 2 इम्पोर्टेंट पिलर्स भी होते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस के। ठीक है, आगे लिखा है इफ पोर्टफोलियो सिलेक्शन ऑल्सो डिपेंड ऑन द पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न। पोर्टफोलियो सिलेक्शन भी डिपेंड होता है पोर्टफोलियो रिस्क और रिटर्न के ऊपर। टू यहाँ पे लिखा है द 2 बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पोर्टफोलियो सिलेक्शन। इसके 2 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिसमें 2 प्रोफेसर के नाम वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है, पहला यहाँ पे लिखा है इन्वेस्टर आर हैरी मार्कोट्विज। पोर्टफोलियो सिलेक्शन क्या होता है, द ऑप्टिमल पोर्टफोलियो इज वन विच ऑप्टिमाइज द यूटिलिटी ऑफ द इन्वेस्टर गिवन हिज रिस्क एंड रिटर्न कंसिस्टेंट। एक ऑप्टिमम पोर्टफोलियो वो होता है जो एक अच्छी तरह की इन्वेस्टर को रिटर्न प्रोवाइड करके देता है, कम से कम रिस्क के ऊपर। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इट्स ऑप्टिमल पोर्टफोलियो इज नोन एज पोर्टफोलियो सिलेक्शन। और जो ऐसा पोर्टफोलियो फाइंड करके देता है जहाँ पर हमको रिस्क कम होता है और आपका रिटर्न ज़्यादा होता है, इसको सिलेक्ट करने की प्रोसेस को ही हम बोलते हैं पोर्टफोलियो सिलेक्शन। एवरी इन्वेस्टर इज़ बेसिकली रिस्क एवर्स। जो हर एक इन्वेस्टर होता है वो रिस्क एवर्स होता है कि रिस्क कम से कम हो। रिस्क रिटर्न एटीट्यूड इज़ डिफरेंट, दे हैव डिफरेंट प्रेजेंस टूवर्ड रिस्क एंड रिटर्न। उनका अलग अलग के प्रति, दोनों के प्रति अलग अलग प्रतिक्रिया होती है, जैसे कि रिस्क के प्रति अलग होगी और रिटर्न के प्रति अलग होगी। सम इन्वेस्टर्स आर एग्रेसिव, इन्वेस्टर दे आर लेस रिस्क। और उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे लिखी है, द सम सिक्योरिटी मे बी प्रोवाइड डिफरेंट यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टर। हर एक सिक्योरिटी जो है अलग अलग तरह की यूटिलिटी और अलग अलग तरह की जो है डिफरेंट डिफरेंट सेटिस्फैक्शन इन्वेस्टर को देते हैं। एन इन्वेस्टर नीड्स टू कंस्ट्रक्ट हिज क्वालिटी स्कोर इन टर्म्स ऑफ इनडिफरेंस कर्व एंड द पोर्टफोलियो दैट मैक्सिमाइज द यूटिलिटी
of the investor can be considered to the optimum portfolio. Harry Markowitz's model of portfolio selection and mean variance optimum model. The seminal work by Harry, published in a period titled Portfolio Selection in Journal of Finance in 1952, set the foundation for the selection of optimal portfolio by the rational investor. 1952 में Journal of Finance को establish करा गया था, इसमें selection of portfolio के ऊपर ही बात करी गई है कि किस तरह से एक rational investor बेहतरीन portfolio select कर लेते हैं. Their theory is popular as Markowitz model. इसको हम Markowitz मॉडल के हिसाब से पढ़ते हैं और ये इसी नाम से जानी जाती है. अब इसमें लिखा है इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मीन वेरिएबल ऑप्टिमम मॉडल. अब यहाँ पर इनके कुछ अजम्पशंस हैं, जैसे कि फर्स्ट, मार्केट आर एफिशिएंट एंड इन्वेस्टर हैव एक्सेस टू ऑल द अवेलेबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स. फिर लिखा है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटीज एंड और असेट्स. उसके बाद लिखा है इन्वेस्टर्स आर रिस्क एवरेंस, दे विल टेंड टू अवॉइड नेसेसरी रिस्क. जो इन्वेस्टर होते हैं वो रिस्क एवेरियंस होते हैं, उनको जितनी भी रिस्क होती है वो उसको अवॉइड करते हैं. इन्वेस्टर्स आर रेशनल, गिव टू सिक्योरिटीज विद द सेम स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इन्वेस्टर वुड चूज द हाईएस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न. और जो इन्वेस्टर हैं वो हाईएस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न चूज करते हैं. फिर लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज ए फिक्स्ड सिंगल टाइम होरिजोन. ये एक फिक्स्ड सिंगल टाइम होरिजोन के लिए होती है. देयर आर नो टैक्सेस ऑन ट्रांजेक्शन कॉस्ट. किसी भी तरह का टैक्सेस ट्रांजेक्शन कॉस्ट पर नहीं होता. देयर इज ए रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट इन द मार्केट एंड एनी अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन बी बोरोड और इन्वेस्टेड एट द रिस्क फ्री रेट. किसी भी तरह का रेट फ्री होता है, बिल्कुल किसी भी तरह के मार्केट से अमाउंट लो या फिर किसी तरह की कैपिटल से बोरो किया जाए तो उस पर कोई भी तरह का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ रिटर्न पे नहीं करना होगा. इंटरेस्ट मेक देयर डिसीजन सोलली बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड वेरियंस. जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने खुद के डिसीजन जो है उन बनाते हैं. फिर लिखा है उसके बाद इसके कुछ स्टेप्स हैं पोर्टफोलियो में सिलेक्शन करने के स्टेप्स हैं. पहला स्टेप ये है सेटिंग द पोर्टफोलियो अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी सेट करनी है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है. दूसरा स्टेप होता है जब वो इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी सेट हो जाए फिर आप डिटरमाइन करोगे कि इफिशेंट पोर्टफोलियो होगा या नहीं होगा. और जब ये भी डिटरमाइन हो जाए तो आपको देखना है कि कंस्ट्रक्टिंग इंडिफरेंस कर्व ऑफ द इन्वेस्टर. इंडिफरेंस कर्व कैसा है इन्वेस्टर के अकॉर्डिंग होगा या नहीं, फिर आप सिलेक्ट करोगे उस ऑप्टिमल पोर्टफोलियो को. तो ऑप्टिमल पोर्टफोलियो सिलेक्ट करने की ये चार तरीके होते हैं. तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है द मॉडल स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ द पोर्टफोलियो अपॉर्चुनिटी सेट. अब यहाँ पर ना नीचे आपको एक डायग्राम बना के दिखाया हुआ है, मैं आपको इस डायग्राम की हेल्प से क्लियर करूँगा. अब आप नीचे इस डायग्राम में देख सकते हो ये जो डायग्राम बना हुआ है, इन द फॉलोइंग फिगर वी कैन सी द पोर्टफोलियो अपॉर्चुनिटी सेट इन केस ऑफ एन सिक्योरिटीज. इट इज मस्ट बी नोटेड टेटर इन ए रीजन ऑफ पोर्टफोलियो अपॉर्चुनिटी सेट इन द एन सिक्योरिटीज. अब यहाँ पर जो है सिक्योरिटीज बता रखी है, रिस्क बता रखी है. ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है कि कितना हाई रिटर्न मिलेगा और कितनी रिस्क पे. फॉर एग्जांपल अगर आप रिस्क यहाँ तक लोगे तो रिटर्न कितना मिलेगा, ये ऊपर जाएगा और ये इतना हो जाएगा. तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है. जिस तरह से आप रिस्क लोगे उस तरह से आपका रिटर्न होगा. अगर आप इसको इनक्रीज कर दोगे ऐसे, ठीक है, तो ये जाएगा यहाँ पे. जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा रिटर्न होगा, इस तरह से. आगे लिखा है डिटरमाइनिंग द एफिशिएंट सेट ऑफ पोर्टफोलियो. अब एफिशिएंट सेट ऑफ पोर्टफोलियो आपको डिटरमाइन करना होता है, ठीक है. यहाँ पे लिखा है ऑल द पोर्टफोलियो ऑन द एफिशिएंट फ्रंटियर आर कंसिडर्ड ऑप्टिमल पोर्टफोलियोज. जितने भी पोर्टफोलियो हैं वैसे तो वो सारे एफिशिएंट पोर्टफोलियो कहलाते हैं. एनी पोर्टफोलियो दैट फॉल्स आउटसाइड द एफिशिएंटर फ्रंटियर. कोई ऐसा पोर्टफोलियो जो एक एफिशिएंट फ्रंटियर के दूसरी तरफ
मतलब दूसरी तरफ फ्लाई करता है। आगे लिखा है सब ऑप्शनल फॉर वन ऑफ द टू रीजन, कुछ रीजंस की वजह से। फॉर एग्जांपल रीजन हो सकता है इट कैरी टू मच रिस्क, अगर कोई ज़्यादा रिस्क ले रहा है तो उसका पोर्टफोलियो फ्रंटियर जो है वो खिसक सकता है। या फिर टू लिटल रिटर्न, किसी ने बहुत ही कम पैसा लगाया, लिटल रिटर्न बहुत छोटी सी रिस्क के लिए उस टाइम पे भी। फिर लिखा है थर्ड पॉइंट कंस्ट्रक्टिंग इनडिफरेंस कर्व ऑफ द पोर्टफोलियो, यहाँ पे लिखा है कंस्ट्रक्टिंग इनडिफरेंस कर्व ऑफ द इन्वेस्टर। द एफिशिएंट पोर्टफोलियो शो द पोर्टफोलियो फ्रॉम इन्वेस्टर विल चूज द ऑप्टिमम पोर्टफोलियो। द ऑप्टिमम पोर्टफोलियो इज वन आउट ऑफ द एफिशिएंट पोर्टफोलियो। डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर हैव डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ एपेटाइट, अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स जो हैं वो अलग अलग तरह के रेट ऑफ रिटर्न्स में इन्वेस्ट करते हैं। बट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी इन्वेस्टर इज टू सिलेक्टेड द पोर्टफोलियो दैट मैक्सिमाइज His utility और satisfaction। हर एक तरह का पोर्टफोलियो है जो वो बताता है कि हर एक तरह का जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करता है अलग अलग तरह की संपत्ति वगैरह में, जहाँ पर उसका सेटिस्फैक्शन लेवल मैक्सिमाइज हो और उसकी यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमाइज होनी चाहिए। द यूटिलिटी ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ द इन्वेस्टर आर शोइंग द इनडिफरेंस कर्व, और यही जो है एक इनडिफरेंस कर्व में शो करता है। तो ये है इसका इंडिफरेंस कर्व। अब आप इसमें देख सकते हो यहाँ पे लिखा है, इसमें दो चीज़ें तीन चीज़ें लिखी है, S1 और S2। S1 की लाइन जो है वो आपको मिल रही होगी और एक S2 की लाइन जो है वो आपको दिखेगी। ये है आपका S1 पॉइंट, ये है आपका S2 पॉइंट, ठीक है। आगे लिखा है दोनों ही सेम कर्व के ऊपर बने हुए हैं, सेम यूटिलिटी दोनों में है, बट दोनों में इंक्रीज और हायर डिफरेंस कर्व बने हुए हैं, जिससे कि यहाँ पर जो रिस्क है वो इस वाले के मुकाबले कम है। 1 पे जो रिस्क है वो 2 से कम है, 3 पे जो है वो 4 से कम है, 5 पे जो है वो 6 से कम है, ठीक है। तो ये इंडिफरेंस कर्व 3 हमें बता रहे हैं कि कितना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इन कर्व्स में प्रोवाइड होता है, एटलीस्ट कितने रिस्क पर। आगे लिखा है फोर्थ पॉइंट सिलेक्टिंग द ऑप्टिमल पोर्टफोलियो। ऑप्टिमल पोर्टफोलियो सिलेक्ट करने के लिए पूरी दो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है इट मस्ट लाई ऑन एफिशिएंट फ्रंटियर, कि वो एफिशिएंट फ्रंटियर पर लाई हो, जो भी आपका कर्व है वो पोर्टफोलियो है वो कर्व पे लाई होगा। इट मस्ट मैक्सिमाइज द यूटिलिटी ऑफ द इन्वेस्टर, दूसरी कि इन्वेस्टर की यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करता होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर की यूटिलिटी को हार्म करे और वो कर्व पे भी लाई ना हो। अब फॉर एग्जांपल, अब आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा, अब इस डायग्राम में एक कर्व बना हुआ है, ये रहा कर्व, ठीक है। इस कर्व पे जिस जगह पोर्टफोलियो टच कर रहा है, पॉइंट कौन कौन से हैं जहाँ वो टच हो रहे हैं, तो एक तो पी है, एक आर है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है। तो जितनी जगह ये टच कर रहा है तो ये क्या है, एक मैक्सिमम और अच्छा पोर्टफोलियो है, ठीक है। और ये बाकी बने हुए हैं आपके कर्व फ्रंटियर, ठीक है। फ्रंटियर उतना ज़्यादा खिसक सकता जाएगा रिस्क के अकॉर्डिंग सिलेक्ट जितना हम करते जाएंगे। लिमिटेशंस ऑफ मार्केट विज मॉडल, मार्केट विज मॉडल की लिमिटेशंस हैं, दो लिमिटेशंस यहाँ पे लिखी हुई है। पहला, द मॉडल रिक्वायर्स ए ह्यूज क्वांटम ऑफ डेटा ऑफ एनालाइज द रिस्क रेट ऑफ पोर्टफोलियोज। इस डेटा को काफ़ी ज़्यादा, इस मॉडल को काफ़ी ज़्यादा डेटा लगता है किसी भी तरह के रिस्क या रिटर्न को एनालिसिस करने में पोर्टफोलियो के। वी नीड ए नंबर ऑफ रिटर्न्स एंड नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होते हैं जिसको हम इस तरह से दिखाते हैं, एक साइन बना के इस तरह से, ठीक है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन वो, और नंबर ऑफ रिटर्न्स इसमें लगते हैं। आगे लिखा है फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ 20 सिक्योरिटीज़ वी नीड 20 रिटर्न्स। अगर हमें 20 सिक्योरिटीज़ का देखना है तो हमें 20 रिटर्न चाहिए होंगे, 20 स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होंगे, हमें हर एक का स्टैंडर्ड डेविएशन और रिटर्न रिस्क देखना होगा। पॉइंट नंबर 2 है उसके बाद, एज द मॉडल दे आर सो मैनी ऑप्टिमम पोर्टफोलियो आर नंबर ऑफ द इन्वेस्टर। बहुत सारे पोर्टफोलियो होते हैं नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे द लिमिटेशन इज रिमूव्ड वैन वी इंट्रोड्यूस रिस्क फ्री असेट इन कैपिटल मार्केट। बट यहाँ पर जो है जो लिमिटेशन है वो हट जाती है अगर हम रिस्क फ्री असेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। कैपिटल मार्केट लाइन, कैपिटल मार्केट लाइन थ्योरी इज डेवलप्ड बाय शार्प थ्रू द पेपर कैपिटल असेट प्राइसेस।
कैपिटल थ्योरी जो है, इस थ्योरी को डेवलप करा गया था एक तरह की पेपर कैपिटल असेट प्राइस के ऊपर, ए थ्योरी ऑफ मार्केट इक्विबिलियम अंडर कंडीशंस ऑफ रिस्क इन 1964 ऑफ जर्नल ऑफ फाइनेंस। जर्नल ऑफ फाइनेंस ने 1964 के अंदर कंडीशंस ऑफ रिस्क पे ये थ्योरी निकाली है। द थ्योरी इज मोर और लेस एन एक्सटेंस ऑफ द मार्केट रिस्क पोर्टफोलियो थ्योरी एंड द रिस्क फ्री लैंडिंग एंड बोरोइंग। इसके कुछ अजम्पशंस हैं नीचे जो बताए हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले, इन्वेस्टर्स आर रेशनल एज दे मेक डिसीजन। इन्वेस्टर्स जो है वो रेशनल होंगे जब वो डिसीजंस मेक करेंगे प्रीमिलरी ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट और रिस्क रिटर्न के ऊपर। दूसरा, सिक्योरिटीज आर इनडेफिनेटली डिविजिबल। जो सिक्योरिटीज होंगी वो बिल्कुल डिविजिबल हो सकती हैं। तीसरा है, शॉर्ट सेलिंग इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, कि जो शॉर्ट सेलिंग होता है छोटे टाइम के लिए वो इस पर रिस्ट्रिक्टेड होता है। चौथा है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर और बाइंग सेलिंग एक्शंस ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर्स विल नॉट अफेक्ट द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज। यहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं जो अलग अलग तरह की सिक्योरिटीज बाई करते हैं, ठीक है, जिस पर कोई भी तरह का इफेक्ट या प्राइस सिक्योरिटी इफेक्ट नहीं होगा। देयर आर नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ टैक्सेस, कॉस्ट ऑफ टैक्सेस नहीं है। बिसाइड्स रिस्की असेट्स, देयर इज ए रिस्की असेट्स इन ए मार्केट, और ये एक तरह की असेट्स जो है रिस्की असेट्स कहलाती है। अगला पॉइंट है, इन्वेस्टर्स हैव होमोजीनियस और आइडेंटिकल एक्सपेक्टेशन अबाउट द रिटर्न्स। उनकी होमोजीनियस थिंकिंग होनी चाहिए, ठीक है, वेरियंस ऑफ रिटर्न्स और को वेरियंस ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ सिक्योरिटीज। देयर इज द इम्पोर्टेंट एजम्पशन सो डैट वी हैव टू यूनिक आइदर फ्रंटियर। जो दूसरों फ्रंटियर से यहाँ पे इस फ्रंटियर को यूनिक बनाती है, होमोजीनियस आइडेंटिफिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न होनी चाहिए। नीचे लिखा है, कैपिटल लाइन गिवन द फॉलोइंग इक्वेशन। कैपिटल लाइन फॉलोइंग इक्वेशन में एक इक्वेशन दी है, अगर प्रिपरेशन में या एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ गया कि कैपिटल मार्केट लाइन को फाइंड करो, कैपिटल मार्केट लाइन आपको निकालनी है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा उस जगह पे। ये फॉर्मूला याद कर लो, ERP RF प्लस में ई ब्रैकेट में RM माइनस में RF मल्टीप्लाई बाय, ये पॉइंट नहीं है मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन पी। ERP मतलब है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ पोर्टफोलियो, RF मतलब होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, ERM जो लिखा हुआ है ERM इसका मतलब होता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो। ऊपर वाला जो है वो रिटर्न पोर्टफोलियो या मार्केट पोर्टफोलियो, फिर उसमें से माइनस करना है RF को, दोबारा से ये रहा RF आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न ही रहेगा, मल्टीप्लाई कर देना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो से, फिर उसको डिवाइड करना है लास्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन और मार्केट पोर्टफोलियो से, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। द CMLM हैज़ बीन फॉलोइंग फीचर्स। CMLM होता है कैपिटल मार्केट लाइन, जो अभी फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं इसी का, तो इसके कुछ फीचर्स हैं, नीचे डायग्राम है। डायग्राम पहले समझते हैं, ये देखो ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है कि कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको मिलता है कितने स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर। ये RF की लाइन है, ठीक है, हमने ऊपर ही डिस्कस करा है जिसको RF, और यहाँ पर लिखा है कैपिटल मार्केट लाइन है और ये है एफिशिएंट फ्रंटियर, कि आपका फ्रंटियर किस बिंदु पे जाके मैच हो रहा है, टच हो रहा है। तो अब आप देखोगे कैपिटल लाइन से एफिशिएंट फ्रंटियर बिंदु M पे, पॉइंट M पे टच हो रहा है, मतलब इस जगह पर एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों ही इक्विबिलियम पर है, बराबर है। अब यहाँ पे लिखा है CMLM exhibit a points positive linear relationship between the risk portfolio and expected return। ये एक पॉजिटिव मतलब प्लस का साइन लगा दो, पॉजिटिव एक्सपेक्टेड रिटर्न शो करता है। आगे लिखा है ओरिजिनेटर ऑफ RF hence be slope CLM is RF। अब यहाँ पर जो RF है वो एक तरह से CRM के स्लोप पर जो है वो एक्सपेक्टेड returns की साइड से बढ़ता है। द स्लोप ऑफ CLM इज द रेशियो ऑफ रिवर्ड वेरिएबिलिटी एंड द मेजर। उसके बाद लिखा है इस तरह से आप मेजर कर सकते हो, ये मेजर करने का तरीका है। CLM इज ए टेंजेंट टू ओरिजिनल एफिशिएंट फ्रंटियर एट पॉइंट M। जो CLM है वो एक तरह की टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट मतलब होता है जो बिल्कुल टच करके निकल जाती है, टेंजेंट बोलते हैं उसको, ठीक है, और कहाँ पे टच कर रही है, पॉइंट M पे। तो ये जो M पॉइंट बन गया है ये कौन सा है, आपका इक्विबिलियम पॉइंट है।
फिर है ओनली एफिशिएंट पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ रिस्क फ्री सेट पोर्टफोलियो माइलस्टोन CLM, कि जो एफिशिएंट पोर्टफोलियो हैं वही सिर्फ रिस्क फ्री पोर्टफोलियो कहलाते हैं। CMLM स्लोप अपवर्ड बिकॉज प्राइस ऑफ रिस्क मस्ट बी पॉजिटिव सिंस इन्वेस्टर्स आर एवर्स। अगर इसका अपवर्ड तरह का पोर्टफोलियो है या कोई भी प्राइस या रिस्क है, इट मीन्स कि इन्वेस्टर्स आर रिस्क अवर्स है, जो इन्वेस्टर है वो रिस्क अवर्स है, मतलब लेना बहुत कम चाहेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एग्जांपल्स अब आ गए हैं नीचे। ठीक है, सॉल्यूशन आपको ये सॉल्व करने हैं एग्जांपल से। तो एग्जांपल में फॉर्मूला जो लगाना है वो आपको मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ सिर्फ, और एक एग्जांपल। उसके बाद का दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें आपको खुद को निकालना होगा। ये आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है, ये टोटल रिस्क है। एक्सपेक्टेड रिटर्न ABC का ये है, टोटल रिस्क ये दे रखा है। आगे दिया हुआ है फ्री रेट ऑफ रिटर्न, मतलब RF, तो ये है आपका RF। उसके बाद दिया हुआ है एक्सपेक्टेड मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न ERP है ये। ठीक है, उसके बाद है रिस्क 5% है, ये आपका R दिया हुआ है। अब आप कैलकुलेट करोगे इसी के मुकाबले, अब लाइन से आपको फॉर्मूला लगाना है, ये सब चीज़ आपको दे रखी है। फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करनी है आपको और इस तरह से आप निकाल लोगे। अब यहाँ पे देखो जो पॉइंटों में है वो माइनस में जा रहे हैं, और जो 20% है वो एफिशिएंट है। एफिशिएंट और नॉट एफिशिएंट इसमें पता लगाना होता है। ठीक है, अगर कोई दूसरा क्वेश्चन होता है तो वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी आपको सॉल्व करने के लिए। कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल CAPM मॉडल इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी एंड पोर्टफोलियो। ये एक तरह की एक्सपेक्टेड रिटर्न और पोर्टफोलियो मैच करने के लिए बनाया गया है। इट शो द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द रिटर्न रिक्वायर्ड, कि जो रिटर्न रिक्वायर्ड है वो, और सिक्योरिटी जो सिमेट्री रिस्क है उसके बीच में हमें बताता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क इन ए कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में दो तरह की रिस्क जो है वो होती है, एक होती है अनसिमेट्रिक और एक होती है सिमेट्रिक रिस्क। डाइवर्सिफिकेशन कंस्ट्रक्टेड पोर्टफोलियो बट ए सिमेट्रिक रिस्क कैन नॉट बी डाइवर्सिफाइड। एक सिमेट्रिक रिस्क जो होती है वो कभी भी डाइवर्सिफाइड नहीं हो सकती। मॉडल असेट्स दैट आर द अनसिमेट्रिक रिस्क कैन बी डाइवर्सिफाइड, और जो CAPM के मॉडल के हिसाब से अनसिमेट्रिक रिस्क है वो डाइवर्सिफाइड हो सकती है। ठीक है, एक पीरियड ऑफ टाइम पे। अजम्पशंस को देख लेते हैं, अजम्पशंस क्या है CAPM की। ऑल द इन्वेस्टर एम टू मैक्सिमाइज इकोनॉमिक यूटिलिटी, हर एक इन्वेस्टर का एम होता है कि मैक्सिमाइज करना है एक यूटिलिटी को। आगे लिखा है सेकेंड, द इन्वेस्टर्स आर रेशन ए लैंड रिस्क एवर्स, जो इन्वेस्टर्स हैं वो रेशन है लैंड रिस्क अवर्स में। फिर थर्ड आता है द इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन ब्रॉडली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अक्रॉस ए रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तीसरा आता है द इन्वेस्टर्स आर प्राइस टेकर, इन्वेस्टर जो होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं, जो प्राइस लेते हैं। दे कैन नॉट इन्फ्लुएंस प्राइस इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटीज। चौथा पॉइंट है अनलिमिटेड लैंडिंग एंड बोरोविंग। अनलिमिटेड लैंडिंग मतलब कि अनलिमिटेड लैंडिंग के लिए पैसा लगाना या लेना कैन बी डन बाय द रिस्क ऑन फ्री अंडर द रिस्क ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। ये आपके ऊपर आता है पूरी तरह से रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न में। फिर आएगा देयर आर नो टैक्सेस एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट, किसी भी तरह की टैक्सेस और ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसमें नहीं होती, सॉरी। आगे लिखा है सिक्योरिटीज आर परफेक्टली डिविजिबल, जो सिक्योरिटीज है उसको परफेक्टली आप डिवाइड कर सकते हो। इन्वेस्टर्स हैव होमोजीनियस एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइस मूवमेंट, प्राइस मूवमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इन्वेस्टर्स की होमोजीनियस एक्सपेक्टेशन होती है, मिलती जुलती। फिर आएगा फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल सिमिटली। उसके बाद लिखा है ऑल इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल टू द इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए फ्री फ्लो इन्फॉर्मेशन होती है, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। अब नीचे एक कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लिख दिया है CAPM मॉडल का, जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें लिखा है ERI RF ERM माइनस RF, और यहाँ पे लिख दिया लास्ट में Beta I। ठीक है, बीटा मीन्स होता है कोफिशेंट ऑफ सिक्योरिटी, और बाकी सारी चीज़ें आपको पहले मैंने बताई हुई है। और ERI का मतलब होता है एक्सपेक्टेड रेट ऑन सिक्योरिटी और असेट। ठीक है, अब यही फॉर्मूला आप लगाओगे, पहले प्लस होगा फिर माइनस हो जाएगा। ठीक है, RF प्लस में फिर ERM फिर माइनस में RF फिर लास्ट में बीटा से मल्टीप्लाई।
अगर इसका कोई क्वेश्चन होगा तो वो आपको नीचे में डिस्कस कर लूँगा, फिलहाल इसका क्वेश्चन नहीं है। सिक्योरिटी मार्केट लाइन, सिक्योरिटी मार्केट लाइन इज़ ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल है CAPM का एक तरह से, ठीक है। CAPM हमने ऊपर रीड किया था, याद है, तो उसी का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और सिक्योरिटी मार्केट लाइन का SLM बोलते हैं जिसको, स्ट्रेट लाइन एक तरह से, और ये सिमेट्रिक रिस्क एक्स एक्सिस और एक्सपेक्टेड रिटर्न वाई एक्सिस पर रहती है। इसका स्लोप जो है SLM का वो पूरी तरह से मार्केट रिस्क प्रीमियम पर बनता है। तो यहाँ पे हम ग्राफ को समझते हैं थोड़ा, तो अगर इसका ग्राफ बनाने को आ जाए तो यहाँ पे आप जो है ERM लिखोगे, ठीक है, वाई एक्सिस के ऊपर, मतलब कि एक्सपेक्टेड रेट ऑन वाई एक्सिस, और नीचे आता है सिमेट्रिक रिस्क, यहाँ रिस्क है और यहाँ पे रिटर्न होता है। RF की लाइन ओरिजिन से थोड़ा ऊपर होकर चालू होती है, बिल्कुल सीधी चलेगी, और जिस जगह ये पॉइंट्स मिलेंगे वो ओवर वैल्यूड स्टॉक होते हैं, नीचे वाले हैं, ये जो जगह है ना भाई, ये वाली जगह नीचे वाली, ये है ओवर वैल्यूड स्टॉक जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये जो ऊपर वाले स्टॉक है ना, ये जो जगह खाली है, ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है, ठीक है, मतलब जिनकी कीमत कम है। और जो एम पॉइंट है, ये पॉइंट है इक्विबिलियम पॉइंट, जहाँ पर एक रिटर्न और एक रिस्क जो है वो बराबर है, ठीक है। ओके, तो नीचे इसका क्वेश्चन आ चुका है, ये बीटा आपको दिए हुए हैं, बीटा गिवन है और एक्चुअल रिटर्न गिवन है, तो बीटा आपको निकालने की जरूरत नहीं है, बीटा आपको दे के रहेगा। तो सॉल्यूशन आप कुछ इस तरह का करोगे, आप फॉर्मूला लिखोगे, हर एक फॉर्मूले में आप ERM लिखोगे, पहले मैंने बताया था प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, तो इन्होंने माइनस कर दिया है तो डायरेक्ट इन्होंने मल्टीप्लाई ही दिखा दिया है। तो ये फॉर्मूला इन्होंने लगा रखा है, जो फॉर्मूला अभी मैंने दिखाया था। अब याद रखना, जो पॉइंट्स में है वो अंडर प्राइस्ड होंगे, जो बिना पॉइंट्स के हैं वो ओवर प्राइस्ड होंगे, ठीक है। ओवर प्राइस्ड ये है, अंडर प्राइस ये करेक्टली प्राइस्ड, मतलब कि प्राइस इसका करेक्ट है, उसके बाद यहाँ पे ये अंडर प्राइस्ड, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखोगे, ये लिखा है 15 जो कि करेक्टली प्राइस्ड है, 15 से अगर मैं ऊपर जाता हूँ, मीन 16 पे जाता हूँ, 17 पे जाता हूँ, ये पॉइंट करके ऊपर जाता हूँ, तो वो अंडर प्राइस्ड की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। जैसे 20 और 16 को आप देख सकते हो, ठीक है। और फिर अगर मैं इसी जगह पे कम में आ जाता हूँ, 15 से कम, तो वो अंडर प्राइस्ड की कैटेगरी में आ जाता है। और ऐसे जो है जिनके पीछे पॉइंट नहीं है, वो सारे करेक्टली प्राइस्ड हो सकते हैं, ठीक है, होंगे। तो और इसका फॉर्मूला जो लगाया है वो ये वाला फॉर्मूला है, आप भी इस फॉर्मूले को यूज़ करके, और ये देखो लगा के वैल्यू दिखा रखी है। RF की जगह 6 लिया हुआ है, ERM को इज इक्वल टू RF रखना है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिखा है 15 माइनस 6, फिर बीटा 1, ठीक है। 15 माइनस 6 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जो आपकी वैल्यू होगी 9, और बीटा 1 उसके पीछे लग जाएगा, तो 6 प्लस में 9 बीटा 1, तो ये रहा 6 प्लस में 9 बीटा 1। आप इस तरह से बीटा 1 की वैल्यू देखोगे, टेबल में 1.2 है, तो 9 बीटा 1 में 1.2 लगा के आपका आंसर निकल जाएगा, क्लियर है। कैपिटल मार्केट लाइन, सिक्योरिटी मार्केट लाइन, उसके बाद देखा CLM इज ए लाइन That show used to show the rate of return, कि किस तरह से rate of return जो है वो बदलते हैं, वो सब दिखाती है। Free rate of return level of specific portfolio में mentioned करी हुई है, जो कि SLM की graphical method में mentioned है। CLM risk measured using the standard deviation while the SLM, SLM को देखते हुए CLM जो है वो यहाँ पर standard deviation को measure करती है। उसके बाद लिखा है third point, the capital मार्केट लाइन ऑफ ग्राफ डिफाइन एफिशिएंट पोर्टफोलियो, वेयर एज द सिक्योरिटी मार्केट लाइन ग्राफ डिफाइंस बोथ इफिशिएंट एंड नॉन इफिशिएंट पोर्टफोलियो। फोर्थ पॉइंट है, द स्लोप ऑफ SLM इज मार्केट रिस्क प्रीमियम, वेयर एज स्लोप ऑफ CLM इज रिवॉर्ड टू वेबिलिटी रेशियो। फिफ्थ पॉइंट है, SLM इज यूज टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी, वेयर CLM इज यूज टू फाइंड द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ ए पोर्टफोलियो। SLM का इस्तेमाल कब होता है, जब हमें निकालना होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न। CLM का यूज कब होता है, जब हमें निकालना होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए पोर्टफोलियो, ठीक है। लिमिटेशंस आ गई हैं, लिमिटेशंस ऑफ CAPM। तो CAPM एक पॉपुलर मॉडल है ये एसेट्स डिस्कवरी करने का। पहले इसकी लिमिटेशन है, द अजम्पशन ऑफ CAPM आर क्वाइट सिंप्लीफाइड एंड अनरियलिस्टिक। ये रियलिस्टिक नहीं होती ज़्यादा और सिंप्लीड होती है।
कह रहा है मैनी ऑफ देम मे नॉट होल्ड ट्रू इन रियल लाइफ, हर कोई इसको अपनी रियल लाइफ में ट्रू नहीं रखता। एजम्पशंस लाइक नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, एजम्पशंस ऐसी हैं जैसे कि कोई भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट ना हो, कोई टैक्सेस ना हो, और अनलिमिटेड लैंडिंग है जिसमें आप ले सकते हो या बोरो कर सकते हो, ठीक है, रिस्क फ्री रेट हो जाता है इन दिनों। CAPM required circulation of beta coefficient which is tedious process. इसके लिए हमें एक beta coefficient को find out करना पड़ता है process में निकालने के लिए values वगैरह को, ठीक है। तो ये था आपका पूरा chapter। अब मैं कुछ unsolved question आपको बता रहा हूँ जिसको आपको खुद से calculate करने का try करना है, जैसे question number 1, ठीक है। अब आपको beta दिया हुआ है और आप beta वाले formula से इसको calculate करके देखोगे, ठीक है। एंड एक ये है क्वेश्चन नंबर 2, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, तो आप इसको भी कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, ख़त्म हो गया है, आगे कुछ ज़्यादा चैप्टर में नहीं है। आई विश वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। सेमेस्टर 6 की बाकी चैप्टर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, एक एक करके आप सारे लेक्चर्स को वॉच कर सकते हो। और मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ भाई, अगर किसी को भी नोट्स बाय करने हैं तो नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। स्क्रीन पे नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, इसी नंबर पे आप मुझे मैसेज करोगे कि सर हमें नोट्स परचेज करने हैं, और 100-130 रुपये जो भी होगा मिनिमम अमाउंट पे करके नोट्स की PDF को बाय कर सकते हो। ऑल चैप्टर्स होंगे उसमें, हर चीज़ होगी भाई, फॉर्मूले से लेकर सारे चैप्टर्स तक, तो जिनको लेना है वो बाय कर सकता है। ओके, आई विश वीडियो हेल्पफुल लगा हो, बाकी कमेंट में ड्रॉप कर देना अगर सजेशन आपका कोई है, मैं उस पर वर्क करूँगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।